नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। शेष उत्तराखंड की टीम लगातार अपने दर्शकों तक सिलक्यारा टनल का एक एक अपडेट लेकर पहुंच रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आज उम्मीदों का दिन है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में 41 मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। 10 दिन बीत गए हैं, आज 11वां दिन है और आपको दिखाएंगे। देखिए, मेरे ठीक पीछे वो सिलक्यारा टनल है और जो अब तक जो चर्चा चल रही थी कि वर्टिकली ड्रिलिंग करके निकाला जाएगा, वो सब अभी बहरहाल उन सबको होल्ड पे डाल दिया गया है। अब जो मेन काम चल रहा है वो हॉरिजेंटल ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें जो ताज़ा अपडेट है कि 35 मीटर तक उनको सफलता मिल गई है। पहले जो है इसके अंदर पाइप डाला जा रहा था जो 25 मीटर पर जाके अटक गया था, उसके बाद जो ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है ऑगर मशीन के जरिए, वो काफ़ी उसमें सफलता निकलती उनको मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि 35 मीटर का पाथ ये लोग पार कर चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द 41 जिंदगियां खुले आसमान की सांस लेंगी। हमारे साथ मौजूद है ऑगर मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर, जिन्होंने बिना सोए रात दिन एक करके अपने मजदूर भाइयों को बचाने के लिए कवायद की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू मिश्रा है। शंभू मिश्रा जी, क्या स्थिति है अंदर? स्थिति ठीक है, डे नाइट काम चला रहे हैं। दिल्ली से आए और टेंचलेस मशीन आई है, ऑगर मशीन है, टेंचलेस कंपनी के है और मेरे जैसे उनका मालिक है नितिन गुप्ता जी भी आए हैं। डे नाइट काम कर रहे हैं, साथ साथ खड़े वक्त करा रहे हैं। डे नाइट दो 20 टीम आई है, डे नाइट काम चल रही है। अच्छा मिश्रा जी, चूँकि सब लोग तो अलग अलग बातें करते हैं, चूँकि आप खुद ऑपरेटर हैं और अंदर आप चला रहे हैं ऑगर मशीन, कैसी कठिनाइयाँ आ रही थी, अब क्या स्थिति है ये बताओ? कठिनाई ठीक लग रही है, अच्छी खबर आ जाएगी, बहुत अच्छी चल रही है, रात तक हो जाना चाहिए, 24 घंटे में आ जाएगी अच्छी खबर। लोगों का कहना ये है कि अगर कोई स्टील का कोई नई पार्ट या कुछ नहीं अगर फंसता है तो रात तक अगर कोई स्टील या कोई रॉड आयरन या कुछ ऐसा आ जाता है तो समस्या बढ़ेगी, ये क्या हाल है? नहीं, अभी तो ठीक जा रही है। हाँ, अभी तो ठीक जा रही है और आगे आएगी तो देखी जाएगी, ऐसे ठीक चल रही है, हो जाएगी। अच्छा, एक बात ये बताइए, पहले जो पाइप डाला जा रहा था उसके बाद उसके अंदर एक दूसरा पाइप डाला जा रहा है, उसकी क्या वजह है? वो उसको तो दूसरा पाइप डाले है ना, तो दूसरा जो 90 नहीं नहीं मैम क्या 90 जी, वो तो खाने के लिए दूसरा पाइप डाले है ना, वो अलग नहीं, वो अलग है जो रेस्क्यू एस्केप के लिए बनाया गया था। हाँ, तो फिर दूसरा उसी में डाल के वेल्डिंग करके फिर अंदर डाले। अच्छा, ये जो पाइप है ये बताते हैं कि कितने इंच वाला ये नहीं जाएंगे, दूसरा अंदर है, ये तो ऐसी टेम्पोरी रखे हैं, दूसरा पाइप जा रहा है। गैस कटर भी आपके पास जी? सारे आ गया, वो मेरा आ गया, वो आई है, वो मशीन है कैसे कंपनी में आया दिल्ली से, वो मंगाई है कटर। दूसरा ऑप्शन है ना, इसी ये सक्सेस नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन आई है, मैं दोनों का सामान ऊपर रखे सारे नीचे आए। तो कुल मिलाकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रात तक या अगले 24 घंटे में? बिल्कुल आश्वस्त है, रात तक अच्छी खबर आ जाएगी, भगवान चाहे तो अच्छी खबर आ जाए। तो देखा आपने, सुखद खबर है कि जो ऑगर मशीन चलाने वाले खुद ऑपरेटर बता रहे थे तफसील से कि आखिर किस किस तरीके की उनको आगे समस्याएँ आ रही हैं और कितनी उम्मीदों से भरा हुआ है। तो ये जो स्थिति है अभी की, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ रजनीश दीक्षित।